तो हेलो पोके आर्मी दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स के ऊपर। दोस्तों बेसिकली ये जो भी 5 ट्रेनर्स हैं, हमने इसे ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच के बॉन्डर रिलेशनशिप के हिसाब से हमने इसे अरेंज किया है। और ये सारी चीज़ें मेरे मुताबिक है, यानी इनको मैंने ही लाइन में लगाया है 5 के। दोस्तों तो अगर कुछ क्वेरीज होगी तो कॉमेंट सेक्शन है हमारा नीचे वीडियो के, तो वहाँ जाके आप बोल सकते हैं जो आपको पूछना है। दोस्तों तो वीडियो के ऊपर जो थंबनेल आपको दिखा होगा वो हमें बना के दिया है पोकेविला जी ने। दोस्तों उसका चैनल भी बहुत अच्छा है, उसको ग्रो करने में थोड़ी मदद करो, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक। दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा जो है पोकेवैक्सीन जी, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलना मत। तो वैक्स चल भाई, इंट्रो लगा दे आप अपना और वीडियो को शॉट। अबे इसमें कौन कौन से ट्रेनर होने वाले बता दे। अरे वे सर देखो कितनी गाय रहती है बे, रुकना भाई पूरा वीडियो देख ले, समझ लगा दे 5 से। ठीक है रे लगा दे, तो चलो शुरू करते नंबर 5 से। दोस्तों जो नंबर 5 पोजीशन पे जो पोकेमोन ट्रेनर अपनी जगह बनाता है वो है, अरे गैरी। क्यों गैरी ने किस पोकेमोन के साथ प्यार किया था इतना? अरे मेरे वैक्स रुक जा जरा, बीच में इंटरफियर मत कर, मैं बताता हूँ। गैरी को इसलिए रखा है क्योंकि गैरी ने कांटो रीजन में 151 पोकेमोन पकड़े थे। दोस्तों वो कौन से थे मुझे नहीं पता, वो तो सारे नॉर्मल टाइप ही होंगे। उसने कहा रेड जैसे सब पोकेमोन पकड़े होंगे जैसे लेजेंडरीज, इसलिए वो 5th पोजीशन होल्ड करता है। दोस्तों पता है अलग अलग ट्रेनर्स भी है, पर मेरे को गैरी को चूज करना था क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा से ज़्यादा कर एनीमे रिलेटेड ट्रेनर्स को ही इसमें इंक्लूड करने का था। तो गैरी है वो नंबर 5th पोजीशन होल्ड करने वाला। वैक्स चल नंबर 4 दिखा। दोस्तों अभी जो पोकेमोन ट्रेनर नंबर 4 पोजीशन होल्ड करने वाला है वो है हमारा ऐश। ऐश अरे ठीक है चल कंटिन्यू कर। अबे वैक्स देखो मैंने बताया ना बीच बीच में बोला मत कर, तो शांत रहो और सुन क्या बता रहा हूँ। दोस्तों ऐश इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन इसलिए होल्ड करता है क्योंकि ऐश पोकेमोन के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है। नहीं जब भी वो एक पोकेमोन को पकड़ता है वो उसके साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडली कट के साथ रहता है। दोस्तों कि आपके लिए सामने एग्जांपल्स बहुत सारे हैं बल्बसोर, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीनिंग, इसलिए ऐश इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन होल्ड करता है। तो अभी मेरे दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। 3rd पोजीशन पे जो पोकेमोन ट्रेनर जगह बनाता है वो है हमारा एलान। दोस्तों एलान एक कार्लोस रीजन का ट्रेनर है और कार्लोस रीजन का पोकेमोन चैम्पियन भी है पर डायंथा के बाद। और दोस्तों इसको इस लिस्ट में 4th नंबर पे लाने वाला पोकेमोन है इसका मेगा चारिजार्ड एक्स। दोस्तों इसका और इसके मेगा चारिजार्ड एक्स का बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, बल्कि इसके मेगा चारिजार्ड एक्स ने अब तक कंटिन्यूसली 10 मेगा पोकेमोन्स को हरा दिया है, मतलब बिना नॉनस्टॉप। इसलिए अलान को इस लिस्ट में हमारे लिस्ट में नंबर 4th की पोजिशन मैंने दी हुई है। तो अगर आपको पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके दोस्तों जो अगला या अगली पोकेमोन ट्रेनर है वो है कार्लोस रीजन की और वो है डायंथा। दोस्तों अगर किसी को नहीं पता होगा तो डायंथा कार्लोस रीजन की चैम्पियन है और उसको इस लिस्ट में नंबर 2nd पोजीशन अल्डेवो, यानी बेसिकली वो लोग बिना बातें किए आई कांटेक्ट से पोकेमोन बैटल्स लड़ते हैं और उसकी गार्डेवोर मेगा गार्डेवोर में भी विकस बाद में हो जाती है, तो इसलिए वो इस लिस्ट में हमारे लिस्ट में नंबर 2nd पोजीशन पे है। दोस्तों और एक ट्रेनर है जो इस लिस्ट में नहीं आ पाया, वो है शिनोरिजन का चैम्पियन जिसके पास मेगा मेटाक्रॉस है और वो भी शाइनी वाला। दोस्तों तो डायंथा इसलिए इस लिस्ट में है क्योंकि उसके गार्डेवोर के साथ उसका बहुत सारा रिलेशन है, अगर नहीं पता तो एपिसोड देख लो। दोस्तों तो आज तो ये था हमारा 2nd नंबर। तो पहला नंबर तुम लोगों ने शायद ही गेस कर लिया होगा कि वो कौन है उन्हें, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों वो है हमारा रेड। दोस्तों रेड का इस लिस्ट में पॉसिबल ही था दोस्तों, क्योंकि
रेड ने अब तक कैंटो रीजन में सारे पोकेमोन पकड़े यानी 151। दोस्तों अब बता रहे होगे कि गैरी ओक ने भी 151 पोकेमोन पकड़े थे। भाई बता दूँ, उसने हर एक पोकेमोन को पकड़ा है जो लिस्ट में पोकेडेक्स में आता है, म्यू को भी, म्यू टू को भी और सारे लेजेंडरीज को भी। तो गाइस होप सो यू पीपल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव सम थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो जितने भी पोकेमॉन फ्रेंड्स हैं तुम लोग के सब के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज पोकेमॉन रिलेटेड वीडियो डालता था। बाय।